जी, अगर सपनों में जान हो तो हर कामयाबी आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही मजबूत हौसलों के साथ खंडवा की दिव्यांग लड़की ने गांव वालों के ताने से परेशान होकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि सरकारी नौकरी भी हासिल की। अब लड़की ने गांव वालों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गाँव में जश्न का आयोजन करने की ठानी, क्योंकि न गाँव वाले उसे ताने मारते और न ही लड़की संकल्पित होकर पटवारी की नौकरी हासिल करती। देखिए हमारी खास। दिव्यांग पुणे ने रविवार को ग्राम चारखेड़ा में सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर खंडवा कलेक्टर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में खंडवा एसडीएम, खालवा तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचकर सहभोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हरसूद के चारखेड़ा गांव की रहने वाली दिव्यांग पुणे मंडरोई अपने चारखेड़ा गांव की एकमात्र लड़की है, जिसे पटवारी के तौर पर सरकारी नौकरी हासिल हुई है। फरवरी माह से 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे खंडवा के खालवा में पदस्थ किया गया है। मजदूर माँ बाप की बेटी पुणे मंडराई जब गांव से पढ़ाई के लिए खंडवा आती थी तो गांव वाले उसकी गरीबी के साथ साथ लड़की होने के कारण पढ़ाई के नाम पर शहर की सैर सपाटा करने जैसी ताने तक मारा करते थे, लेकिन गाँव वालों के ताने से पुणे के हौसले को और भी बल मिलता था। लिहाजा पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका चयन पटवारी के तौर पर कर लिया गया। अब पुणे ने अपनी इस खुशियों को अकेले नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ सहभोज कर मनाने की ठानी, ताकि ग्रामीणों को यह संदेश जाए कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती। इसी क्रम में पुणे मंडराई ने कलेक्टर सहित समस्त राजस्व विभाग एवं उनके प्राथमिक शाला चारखेड़ा के शिक्षक से लेकर शासकीय महाविद्यालय छनेरा के प्राचार्य एवं कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा के प्राचार्य सहित समस्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया। इसी दौरान आज सभी प्राचार्य एवं राजस्व विभाग के एसडीएम, तहसीलदार और स्टाफ के कर्मचारियों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही खंडवा जिले के हरसूद, खालवा एवं हरदा जिले की बड़ी संख्या में उनके परिचित लोगों ने चारखेड़ा पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं लग जाती हूं तो मैं सभी ग्रामवासियों को सहभोज कराऊंगी जो मैंने आज पूर्ण करवा दिया है। अच्छा, कौन कौन आए थे और कितनी खुशी हो रही है, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मेरे इस सहभोज कार्यक्रम में मेरे खंडवा के आदरणीय एसडीएम साहब पधारे, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल पधारे हैं, मेरे कर्मवीर कॉलेज के प्रिंसिपल पधारे हैं, मेरे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक घन सर पधारे हैं और मेरी हरसूद कॉलेज के प्रिंसिपल पधारे हैं और सभी मेरे गांव के निवासी पधारे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाए बढ़ाए और अच्छी शिक्षा दिलाए, किसी प्रकार का भ्रम न हो आपके मन में। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ।